हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। आई कुमार रोशन, योर स्कूल ट्रेनिंग नोडल कोऑर्डिनेटर ऑफ मदर टेरेसा राइट ऑफ सिटी स्कूल, इनवाइट्स यू ऑल टू अ वेरी न्यू एंड फ्रेश टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मिस्टर अरुण कुमार सर ऑन द टॉपिक एंगर फ्री स्कूल। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम आवर प्रिंसिपल मैम, आवर डायरेक्टर सर, आवर मैनेजर सर, आवर सीनियर टीचर्स, आवर डिग्निटरीज, our PRT, our team, PGT, and each and every teacher over here. So, as we all know that, among all the emotions, the king emotion is the angerness. कहने का मतलब पर यह है कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो जितने भी emotions, जो भी भावनाएं हमारे अंदर हैं, इन सभी भावनाओं में सबसे ऊपर, सबसे आगे, जो आपका emotions है, उनमें सबसे ऊपर आपका जो emotion है, उसको हम लोग growth के नाम से जानते हैं। और इस क्रोध पे कैसे काबू पाना है, इस क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, इस बारे में जानना, इस बारे में समझना एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जो किंग इमोशन है यानी जो एंगरनेस है, ये जो एंगर है, ये एंगर क्या करती है, ये बेसिकली ऐसा माना गया है, ऐसा फील किया गया है पास्ट में भी कि बेसिकली जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो अपने इमोशंस को, अपने बातों को, अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जो जब वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो होता क्या है कि वो गलतियां करना शुरू करता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये एंगरनेस को यानी बचपन से ही हम बच्चों के अंदर से क्रोध की भावना को यानी कि कैसे उनके अंदर से एंगरनेस को खत्म करें, उसको एंड करें, बचपन से ही उनको उनके एंगरनेस को, उनके भावनाओं को कंट्रोल करना सिखाएं, यह बहुत जरूरी है। तो दैट मीन्स ये जो एंगरनेस है ये क्या कर रही है, ये इंसान को बिल्डअप करने का काम कर रही है, साथ ही साथ लेकिन क्या कर रही है, नेगेटिव कर रही है। तो ये नेगेटिव चीज है जो हमारे लाइफ को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर सकती है, बहुत हद तक। देखिए एक्चुअली क्या है कि एंगरनेस की दो बातें, दो भावना मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि बेसिकली होता क्या है, जब आप अपने काम से थके हारे अपने घर पहुंचते हैं और आपके सामने आपका आपका कोई छोटा भाई या बहन या बच्चा जो है आपके घर में कुछ शरारत करता है, तो आप क्या करते हैं, अपने स्कूल का, अपने वर्कलोड का, अपने सारी चीजों का गुस्सा जो है उनके ऊपर आप उतार देते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जब आपका सीनियर, आपका ऑफिसर, जो भी आपको बिना वजह भी अगर कुछ किसी बात को लेकर के डांटता है, सुनाता है, तो आप बहुत बार उनकी बातों को सह जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग बेसिकली हमारे अंदर एक भावना बसी हुई, हम लोग बैठी हुई है, हम लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन असलियत यह बात है कि गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा लाते हैं। गुस्सा किसी को आता नहीं है, अगर गुस्सा आता, ठीक है, गुस्सा कोई आने की चीज नहीं है, वो हम लोग लाते हैं, तो आप वहां पे कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक इमोशंस है, एक भावना है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने अपने भावनाओं को, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, उस पे कब्जा कर लिया, ठीक है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को हम कैसे अपने स्कूल लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि आज का जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग है ये इसी एंगर फ्री स्कूल के बारे में है। यानी हम अक्सर देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है बहुत ज्यादा आपको उग्र दिख रहे हैं, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, बहुत तरीके का उनके ऊपर प्रेशर होता है। और एक्चुअली क्या है कि आज कम एज में ही बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे आपका चिड़चिड़े हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं, वो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके स्कूल का माहौल बेसिकली बिगड़ रहा है। तो इस माहौल को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस माहौल को कैसे स्थापित किया जाए, इसी बारे में, इस चीजों के बारे में हमें जानकारी देने, हमें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के रिसोर्स पर्सन, दैट इज मिस्टर अरुण कुमार। सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू वेलकम हिम विद अ वेरी राउंड हैंड ऑफ अप्लॉज। आज की इस विचार गोष्ठी में अपने विचारों को प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने निदेशक महोदय
जवाब हो। अब क्या कि शिक्षकों से हमारे जो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड जो है उन्होंने कहा क्या कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे कि क्रोध जोर बने और हमारे बच्चों में बच्चों के अंदर में बच्चों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा हमारे शिक्षकों के माध्यम से ताकि अरे बच्चे जो है वह नए भावनाओं से नए ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाए। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को जारी एडवाइजरी में कहा कि ज्वाइंट एजुकेशन और प्रैक्टिकल फिटनेस के तहत यह शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम है जिसके तहत आप विद्यालय में एक सही माहौल को निर्माण करेंगे। सीबीएसई ने कहा कि क्रोध जोन में सभी बच्चे अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। बच्चे ने शिक्षक भी चाहे शिक्षक हो अभिभावक हो स्कूल प्रबंधन हो बोर्ड का यह मानना है कि स्कूल क्रोध मुक्त जोन बनने से छात्रों में स्किल डेवलपमेंट होने स्किल डेवलपमेंट जो है वह बहुत तेजी से बढ़ेगा है ना। तो आज हम लोग क्रोध मुक्त जोन को समझने का प्रयास करेंगे है ना। बच्चों को गुस्से से दूर रखा रखे जाने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि बच्चा जो है वह गुस्सा से दूर। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि हम लोग शिक्षक है क्योंकि हम लोग बच्चों को एक नॉन निहरान करते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा आता है नॉन निहरान आता है और उसको सही ढंग से सही रूपरेखा देना सही ढंग से दिशा निर्देश प्रदान करना एक सही मार्गदर्शन देना यह हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग एक ज्वाइंट लर्निंग के तरफ आगे बढ़ेंगे जिससे हमारे आस पास के वातावरण कुछ नुमा माहौल में बढ़ सके जहाँ के वातावरण जो है वो जोर बने बच्चा है ना ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी की तरफ ध्यान दे। एक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्य जिसके तहत बच्चों के अंदर में एक नए गुण का समावेश हो और बच्चा जो है वह सही ढंग से विकास करता है। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि क्रोध क्या जो एंगर जो है क्रोध क्या है। तो क्रोध एक ऐसा इमोशन है जो मनुष्य में अब रूप में आता है और एक एकाएक आकर क्या करता है कि आपके ऊपर हावी हो जाता है और इसके दरम्यान में क्या होता है कि क्रोध में मनुष्य जो एक ऐसा कारक प्रदर्शन कर बैठता है जिसका परिणाम उसे जीवन भर भोगना पड़ता है। तो हम लोग यह जानेंगे कि आज हम जान सके हैं कि एंगर एंगर में देखिए क्या है। एक फोर एक फोर का एटीट्यूड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स है ना। दूसरा एक फोर एंड नो फोर बैड मूड जी फोर एंड गो इन फोर सॉल्यूशन ई फोर इंपैक्ट ऑलवेज आर फोर रिसाइलेंस एयर फोर क्रिप फ्रॉम द नेगेटिव थॉट है ना। आर फोर रिइंफोर्सिंग पॉजिटिविटी है ना। ई फोर रिजेक्टिंग क्रिटिसाइज और ई फोर एम्पावरिंग आवरसेल्व्स। तो मतलब क्या है कि हम लोग जो चलेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जो है एटीट्यूड्स एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक चार पांच बच्चा है और चार पांच बच्चा अपने में लड़ रहा है और उसमें भी एक व्यक्ति एक बच्चा जो ऐसा है जो अपने उस बच्चों को समझाता है बुझाता है और एक सही राह देने का प्रयास करता है। तो वह जो बच्चा का जो प्रयास है वह क्या कहलाता है एटीट्यूड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ वह बच्चा एक ऐसा सोल्यूशन देता है वह बच्चा उस बच्चों में एक ऐसा भावना भरता है ताकि वह बच्चा जो है वह क्रोध से मुक्त होकर आपसी जो लड़ाई से दूर हो। दूसरा जो है नो फोर बैड नो फोर बैड मूड का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क जो है एक जैसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है कभी कभी आवेश में युक्त हो जाता है। तो सबसे प्रथम हमारा दायित्व हम तो शिक्षक है तो हमारा दायित्व है कि अपने मूड को कंट्रोल करें अपने दिमाग मस्तिष्क को कंट्रोल करें मस्तिष्क को एकदम शांत रखें और ताकि क्या होता है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें ताकि सभी जगह शिक्षा का सही ढंग से भाव बढ़े। तीसरा है ना गो इन फॉर सॉल्यूशन। सबसे मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है कि किसी भी चीज का हल ढूंढना। जरूरी है कि जब आप कहीं विद्यालय में हो बच्चे हैं और स्वाभाविक तौर पर बच्चा जो है वह क्या होता है हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि वह एक ऐसा चीज है जो कि वह गलती कर सकता है ना उसके अंदर में आवेश आ सकता है वह कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिससे कि
जैसा कि आप जानते होंगे कि विनम्र विनम्रता से ही पात्रता है। यदि व्यक्ति में विनम्रता न हो तो वह पात्रता कभी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग ज्ञान का प्रसार प्रसार करते हैं, हम लोग विद्या के मंदिर में विद्या को प्रदान करने का एक माध्यम मात्र है। तो सबसे प्रथम चीज है कि सभी लोगों में विनम्रता का भाव का समावेश करना। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा माहौल तैयार करें कि विनम्रता का भावना जो है वो सभी जगह बढ़े। अब आए अगला क्रिएटिव और निगेटिव थॉट। निगेटिव थॉट का मतलब क्या होता है? नकारात्मक सोच। हर व्यक्ति सकारात्मक सोच से नहीं चलता। जैसा कि आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है, हर व्यक्ति का सोच अलग होता है, हर व्यक्ति का भाव अलग होता है। तो यह प्रथम चीज है कि हम जब भी विद्यालय में आए, विद्यालय में प्रवेश कर शिक्षा के मंदिर में जब आए, तो हमारी सोच जो है वह सकारात्मक हो गई। हम अपने नकारात्मक सोच को अलग करेंगे, और क्योंकि नकारात्मक सोच को जब अलग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा कि शिक्षा का सही भाव जो है वह बढ़ेगा। अब पॉजिटिविटी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? सकारात्मक के तरफ बढ़ना। सकारात्मक तरफ बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा बहुत तैयार करेंगे जहां पर क्या हो, नकारात्मक सोच ही न हो। हर व्यक्ति एक अलग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और यह सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक शिक्षक है, और शिक्षक का दायित्व होता है अपने बच्चों को सही ढंग से मार्गदर्शन करना। आप जानते होंगे जिस प्रकार एक कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को पीट पीट कर एक नया है ना, उसका नया स्वरूप तैयार करता है, उसी प्रकार हम लोग शिक्षक है। तो हम लोग शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों के अंदर को और गुणों को निकाल कर उसमें गुण भरते हैं, और गुण भरते हैं। तो यह प्रथम चीज होता है, शिक्षकों का यह दायित्व है कि आप स्वयं पॉजिटिव सोच रखें, एक सकारात्मक सोच रखें। और चूंकि सकारात्मक सोच रखिएगा तो स्वाभाविक है सकारात्मक बातें होगी, एक ऐसे सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ, जिससे कि बच्चों में एक अलग भाव बनेगा, बच्चा एक अलग माहौल की तरफ बनेगा। सकारात्मक सोच में क्या होता है कि आप एक क्रिएटिविटी बच्चों में प्रदान करने की कोशिश करते हैं, और जब क्रिएटिविटी प्रदान करते हैं बच्चों को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का पता मार्ग निकालते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई बात नहीं कि जब हम छापे जाए तो गलत चैप्टर उठाए और शुरू कर दे पढ़ाना, यह कोई जोर नहीं है। आज मान लिया कि मैं पढ़ाने जाता हूं, उस दिन मेरा जो है मूड जो है, मेरा जो दिमाग जो है आज पढ़ाने की इच्छा नहीं करता है, तो आप उस टॉपिक विशेष पर जो आप पढ़ाना चाहते हो उस पर कुछ ऐसा ज्ञापन कार्य दे, कुछ ऐसा दे कि बच्चा उस पर सोचे, बच्चा उस पर कुछ करने का भाव रखे। और स्वाभाविक तौर पर जब आप किसी क्रिएटिव व्यक्ति, यानी करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऐसा प्रोजेक्ट तैयार दीजिए बच्चों को, ऐसा कार्य दीजिए जिससे जिससे वह बच्चा जो है वह उसको करने का भाव रखेगा, तो स्वाभाविक तौर पर वह जो टॉपिक्स है, वह जो आप विषय वस्तु है, उसको बच्चा सोचेगा, समझेगा और कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करेगा। मैं 100% कह सकता कि बच्चा जो 100 में 100 कर देगा, लेकिन 10% भी तो करेगा। और यदि वो बच्चा 10% नहीं करता है तो वह हमारी उपलब्धि है कि बच्चों को मैं कुछ करने के लिए पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ाया। मैंने अगले वीडियो में बताया था, एक बच्चा जो था वह गुरु के पास गया, और वह गुरु के पास जो है वह शिक्षित सीखने के पास गया, उस गुरु के पास कुछ ग्रहण करने के पास गया। और गुरु जी बहुत शिष्ट थे, क्योंकि शिष्टाचार मैंने अभी बताया कि एंगर फ्री जोन में शिष्टाचार को बहुत होती है। तो गुरु जी जो है बहुत शिष्ट थे, उन्होंने कहा क्या कि बच्चे हमें कुछ नहीं आता, जो आपने हमें भेजा है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ऐसा मुझे समझा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा था, वह लगनशील भाव से तलीन बच्चा था, उसने क्या किया गुरुजी को पैर पकड़ लिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब तक कि आप मुझे शिक्षा नहीं दोगे, जब तक कि आप हमें विद्या प्रदान नहीं करोगे, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यह बच्चा में सकारात्मक सोच था, बच्चा जो आगे बढ़ा, गुरुजी एकदम विवश हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम जाओ आगे देखो, ये आगे देखो क्या कुछ एक बगीचा है, उस बगीचा को देख करो क्या सुंदरता उसकी है। पाली मार जाता है बच्चा, और एक छोटा सवाल होता है कि गुरु जी ये बगीचा है, उसमें पेड़ पौधे है, तालाब है, कुछ नहीं है। और दूसरी बार जब आता है तो उसका अलग पहचान करता, तीसरी बार आता उसको अलग पहचान, गुरु जी बार बार उसे भेजते हैं, बार बार भेजने से क्या हुआ, वह बच्चा हर बार गया तो कुछ अलग सोचा,
कलीग्स, वह क्या करते हैं दूसरे को शिकार करते हैं। शिकार की भावना क्या होता है, उस दोनों के अंदर में क्रोध युक्त भावनाओं का समावेश हो जाता है। वह कहता है अरे फलाना सर तो है, उन्होंने क्या किया, कैसी बातों को हमारे पास बोल दिया, उनके अंदर में हमारे प्रति हो जाएगा और यह एक अच्छी भावना नहीं है। इसलिए जब मैं बार बार बता रहा हूं कि क्रोध मुक्त शिक्षा, क्रोध मुक्त शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। यदि जिस जगह पर क्रोध रहेगा, आप जानते हो क्रोध जो है मनुष्य के विवेक को नाश कर देता है, क्रोध मनुष्य के अंदर को अपने आप खत्म कर देता है, और क्रोध के कारण जो है वह मनुष्य जो है वह आप लोगों की पतन के मार्ग की तरफ बढ़ने लगता है। तो मैंने बताया कि दूसरे की बुराई करना तो सबसे प्रथम छोड़ दीजिए, है मनुष्य को है दूसरे की बुराई करना नहीं चाहिए। अब है इन और आवर सेल्स, यानी पहले हम अपने अंदर की गुणवत्ता को निखार। मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति के अंदर में एक न एक गुण जरूर होता है। हर व्यक्ति भगवान ने सब व्यक्ति के संसार बनाया तो ऐसा है कि हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ गुण होगा। मान लिया कि कोई साइंस में तेज होगा, कोई जो है वह किसी ड्राइंग बनाने में तेज होगा, किसी के अच्छा शुद्ध होगा अच्छा होगा, किसी को लिखने लिखने की कला जो है अलग होगा, कोई जो व्यक्ति जो है वह किसी को वर्णन करने का भाव अलग होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अंदर की भावना छुपे हुए भावनाओं को बढ़ाना, भावनाओं को निखारना, यह सबसे बड़ी बात होती है एंगर फ्री जोन में। तो मैंने बताया कि एंगर फ्री जोन में क्या है। एंगर फ्री जोन का एक बहुत ही सकारात्मक सोच, एंगर मतलब होता क्रोध, जिसको हम लोग बहुत बुरा मानते हैं। देखिए यदि एंगर के सात्विक तत्व को देखा जाए, एंगर के सात्विक तत्व को देखा जाए तो उसे दब पड़ा जाए। हम क्रोध को बुरा मानते हैं, लेकिन क्या एंगर में मैंने बताया एटीट्यूड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड्स है नो बैड मूड है ना, क्या है ना, वो यही मूड सॉल्यूशन। इनफैक्ट और ये जितनी भी चीज है, यह जितनी भी चीजें वह क्या है सकारात्मक भावनाओं से अलग है। अब देखिए, अब हो गया एक व्यक्ति की विशेष, मैं बताऊं क्या व्यक्ति का विशेष कर रहा है, रुको मत भावो, एक व्यक्ति कर रहा है रुको मत भावो, है ना। अब उसी को यदि हम कॉमा हटा दे, क्या रुको मत भागो, देखिए स्थान सी बात है, दोनों में चेंज हो गया है ना। मैंने क्या कहा, वो व्यक्ति बोला उस व्यक्ति को रुको मत भागो, कोई बड़ी बात नहीं है रुको मत भागो, लेकिन उसी जगह कॉमा को हटा दिया तो रुको मत भागो, यानी आपने साथी कर्त को चेंज कर दिया केवल कॉमा से। अर्थात मतलब क्या है कि आप यहां पर देखते एंगर को आपने गलत भावनाओं से लिया तो गलत हो गया, लेकिन यदि उसके सात्विक तत्व को चलिए, यदि उसके सभी अर्थों को समावेश कीजिए, सभी अर्थों को अपने अंदर में समाहित कीजिए, तो स्वाभाविक तौर पर विश्वास है कि आप इसके भावनाओं को अर्पित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे क्रियात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, एंगर का अर्थ हर जगह पर भिन्न भिन्न होता है। देखिए ध्यान से, एंगर है ना फ्री इस पुल है ना डज नॉट इन्वॉल्व द एटिंग रेट्स ऑफ द एंगर बट यूज इन एंगर है टू इनहेंस योर लाइफ है ना, यू कैन लुक एट द पर्पस ऑफ एंगर इन द बॉन्ड पॉजिटिव एंगल। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि एंगर को आप तो एंगर को यदि सोचोगे तो दोनों आप में देखो क्रोध को दोनों रूप में देखो, पॉजिटिव मूड में भी और निगेटिव मूड में। यदि आप देखोगे तो आगे भी चलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप एंगर को चलिएगा तो एंगर मैनेजमेंट में क्या कहा जाता है, एंगर मैनेजमेंट में क्या उसको यदि एंगर मैनेजमेंट को तोड़ा जाए तो उसमें आ जाता है डिफेंसिव का मतलब हो गया। एंगर कहते किसे, एंगर का अर्थ क्या होता है जो मैंने अभी बहुत देर से आपको बखान किया। दूसरा जो पॉजिटिव एंड निगेटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बारे में मैं बोला बहुत देर से बोल रहा हूं कि पॉजिटिव का मकसद निगेटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच और निगेटिव माने नकारात्मक सोच। हर व्यक्ति के अंदर में पॉजिटिव और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सोच होता ही होता है। अब व्यक्ति विशेष में यह बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे आप सकारात्मक सोच को लाते हो, कैसे आप नकारात्मक सोच को त्यागते हो, है ना। बहुत सारे व्यक्तियों में क्या होता है सकारात्मक सोच को है ना ना लाकर नकारात्मक सोच को लाता है। तो सीबीएसई के अनुसार सीबीएसई ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने है ना क्या किया कि ऐसे पहलू किया कि हर शिक्षकों को एक
चीज से विमुख हो जाता है, तो उसमें दो ही चीज हो जाता है, या तो अपने आप को जीवन को त्याग देने का भाव लाता है, या उसके अंदर क्रोध की भावना का समावेश हो जाता है। और तो मैंने बताया था कि एंगर एक ऐसी ऐसी इमोशन है जिसमें मनुष्य जो है मनुष्य पर आप रूपी आ जाता है और आने के पश्चात जो है वो उसके जीवन में बहुत बड़ी प्रभाव डालता है, या व्यक्तिगत कारणों से भी व्यक्तिगत कारणों से ही आता है। आप जानोगे तो मैंने बताया था कि थाउजेंड ऑफ एंगर ने जो मैंने पढ़ा कि बोला यानी यदि मनुष्य में यह निराशा पर आ जाए, मनुष्य किसी चीज को करने के बाद यह सोच ले कि हमें यह काम नहीं होगा, तो उसके अंदर क्रोध का स्वाभाविक जो है वह स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा। दूसरा जो होता है फियर, फियर का मतलब अर्थ है यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से डरता है तो डरेगा तो जरूर उसके सामने कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर में क्रोध का भावना जागृत हो जाएगा। ये प्राणा जो है प्राणा शिक्षित हमें बहुत भयभीत करते हैं, एक समय आएगा कि हम देखते हैं, तो यह बहुत ही गलत भावना का समावेश हो जाता है बच्चों में, अभिभावक में या आपको जो स्कूल प्रबंधन है। वो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि फियर का भावना विद्यालय प्रबंधन या विद्यालय स्कूल को जोड़ने नहीं आना चाहिए। तीसरा है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी काम को करता है कई बहुत लंबे समय तक करता है, लंबे समय करते 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 जब उसको उसी में सफलता भी प्राप्त होती है तो क्या हो जाता है डिप्रेशन में जाता है, वो अपनी कमियों को नहीं जानता। आप एक विद्यार्थी को देखोगे, एक आप हम लोग इस राज्य के निवासी हैं, वहां पर हर माता पिता की एक सपना होता है कि हमारा बच्चा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, वो माता पिता यही देखते कि हमारा बच्चा के अंदर की क्या गुण है और वह क्या करता है, कुछ बच्चों को पता नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना ही, वो बच्चा क्या करता है बार बार कठोर परिश्रम करता है, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होता, और जब कैपेबिलिटी नहीं होगा तो स्वभाविक तो एक बार प्रयास करेगा, दूसरा बार प्रयास करेगा, तीसरा बार प्रयास करेगा, और जब नहीं सफल होगा तो वह बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा कि अरे अपने माता पिता ने मुझे इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना मेहनत किया और इसके बावजूद हमको है इसमें सफलता नहीं मिली, तो स्वाभाविक तौर पर वह व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा और उसके अंदर में गुस्सा का समावेश यानी एंगर का समावेश हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है सैडनेस, सैडनेस तो उदासी, उदासी क्रोध का एक बहुत बड़ी भाव, यदि व्यक्ति विशेष यदि क्रोध की रहेगा उदास रहेगा उदास रहेगा तो स्वाभाविक रूप से अंदर में क्रोध की भावना जागृत होगी। अब है कि रिजेक्शन, यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज में लगा रहे और वह व्यक्ति को उस जगह पर अस्वीकार कर जाए तो क्या होगा, वह व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष से बहुत ही ज्यादा क्रोध हो जाएगा, अरे हमारे अंदर तो यह हुनर था, हमारे अंदर यह कर्म करने का भाव था, लेकिन आखिर तो वो उसने मुझे रिजेक्ट कर मुझे उसे काट क्यों कर दिया। मैंने देखा बताया कि मनुष्य की सबसे सबसे बुरा प्रवृत्ति यह होता है वो अपने अंदर की खामियों को झांकने का प्रयास नहीं करता। जिस दिन आप अपने अंदर की खामियों को झांकने का प्रयास कर दोगे, जिस दिन आप अपने अंदर की खामियों को निखारना शुरू कर दोगे, स्वाभाविक तौर पर मेरा विश्वास है कि आप एक सही शिक्षक बनकर निकलोगे और आप एक समाज में एक ऐसा ऐसा है स्वरूप प्रस्तुत करोगे जिसका हर व्यक्ति कामना करता है। अगला जो है स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस में व्यक्ति जो है वह बहुत ही ज्यादा चिंता चिंताग्रस्त हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम एकदम से स्वरूप ही चिंत हो जाता है और स्ट्रेस जाता बहुत सारा बहुत कम। आप कोई काम कर रहे हो नहीं हुआ, आप किसी चीज की इच्छा रखते हो नहीं हुआ, अरे कोई व्यक्ति आप कुछ ऐसा काम किए और मैं कोई बात ऐसा विद्यालय प्रबंधन को बोलना चाहूं और विद्यालय प्रबंधन हमारी बात को नहीं सुना, कहां से सुना इस नाम से निकाल दिया, शिक्षक स्ट्रेस में आ गया और स्ट्रेस जब शिक्षक आ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का वह स्वभाव नहीं करेगा, तो स्ट्रेस बहुत बड़ी बात है। और शिक्षक के अंदर में क्या बच्चों में बच्चों को बचा, आप कोई बात ऐसा कहा आप उस बात को अनसुनी कर दी, वह बच्चा कोई किसी बच्चे को बारे में बोला आप उस बात को अनसुनी कर दी, इस नाम सुनी इस नाम सुनी निकाल दिए बच्चा आपके अंदर में वो उस बच्चे में स्ट्रेस आने का, अरे मैंने यह चीज तो रखा शिक्षक के पास बैठा, हमने तो विद्यालय प्रबंधन को रखा, बच्चा अपने अभिभावक के पास बात करता है और अगर अभिभावक नहीं सुनता है उस समय उसमें स्ट्रेस आ जाएगा और जब स्ट्रेस आ जाएगा उस बच्चों में तो स्वाभाविक तक होगा क्रोध नहीं रहेगा, उसके अंदर क्रोध जागृत हो जाएगा और जब क्रोध उसके अंदर जागृत हो जाएगा तो वह अपने
कभी भी नहीं मिलेगा। अब अगला आता है ये होता क्या कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां हो। अब बुराइयों को पनपने पर अब बुराई को समावेश होने बुराई को इसके सामने आने पर वह व्यक्ति किसे जो है वो क्रोधित हो और यह सबसे बड़ी चीज होती है वह उस व्यक्ति को सुनना नहीं। ठीक है मेरे अंदर बुराई है उसको दूर करेंगे और स्वभाव को जिस दिन आप उस बुराई को दूर कर देंगे स्वाभाविक तौर पर क्या होगा कि आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ेंगे एक ऐसे शिक्षा के तरफ बढ़ेंगे जहां पर क्या होगा कि क्रोध का नाम निशान होगा। अगला है ईर्ष्यापन। ईर्ष्यापन एक बहुत बड़ी भाव हर व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना शुरू कर देता है तो क्या हो जाएगा स्वाभाविक तौर पर ईर्ष्या की जाए किसी व्यक्ति किसी से तो क्या होगा कि आप उसके प्रति क्रोध की भावना जलना शुरू हो जाएगा। आप उसको नीचा दिखाने का वो पर वो प्रयास करेंगे नीचा दिखाने को वह कुछ कर गुजरेंगे तो क्या हो जाएगा कि स्वाभाविक तौर पर क्या होगा कि वह जो क्षेत्र हो जाएगा वह क्रोध से जड़ित हो जाएगा। क्रोध जो है वो उसे मुक्त नहीं होगा और क्रोध जब मुक्त नहीं होगा तो क्या हुआ क्षेत्र जो है वह बहुत ही खतरनाक बन जाएगा। तो हम लोग उस शिक्षा के क्रम में जहां का क्या है क्रोध मुक्त शिक्षा जहां पर क्रोध की कोई भावना नहीं जहां पर क्या कुछ हुआ माहौल हो जाए जहां हर व्यक्ति जो है वह एक ऐसा वातावरण को तैयार करे जहां पर हर व्यक्ति अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए अपने सही ढंग से कार्य को करने के लिए अग्रसर हो। अब आता है अगला पेज किसी व्यक्ति को दर्द हो किसी भी भावना से किसी बातों से तो क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है वह उस दर्द की भावना को छुपाकर नहीं है और स्वाभाविक तौर दर्द की भावना जब जागृत होता है तो वह व्यक्ति जो है उस गुण को लाता है कि उसमें क्या होता है कि क्रोध अपने आप जागृत हो जाता है। अब अगला तो उसका टॉपिक माना जाए तो होता है इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है और अन्याय। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है आप उसके प्रति उसके कार्य का 100% कोई फल नहीं देते। यदि मान लिया हमारे शिक्षक है हम अपने 100% एफर्ट्स लगाते हैं और यदि हमारे एफर्ट्स को यदि हमारे कार्य को यदि उसका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जाता तो स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर गुस्सा का भाव समावेश जरूर होगा। यह निश्चित तौर पर है यह बच्चों में होता है कि बच्चा कोई कार्य करता है और बच्चा को कोई कार्य करने के पश्चात यदि उसका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं होता सही ढंग से उसके कार्य को फल नहीं प्राप्त होता है तो बच्चा के अंदर में क्या होगा क्रोध का जागृत जागृत जरूर होगा क्रोध जागृत हो जाएगा और व्यक्ति किसे जो है जब क्रोध जब व्यक्ति किसे जागृत हो जाएगा वह अपनी संपूर्ण हो जाएगा वो व्यक्ति जो है वह उस कार्य को कर गुजरेगा जिसकी कामना हम शिक्षक प्राप्त नहीं करते। हम शिक्षक चाहते हैं कि ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां क्रोध का कोई भावना नहीं हो है ना जहां पर केवल शिक्षा की है ना बयान रहे जहां पर मां सरस्वती की बिना का भावना हो जहां मां सरस्वती की बिना का एकदम एक सुंदर ध्वनि जागृत हो है ना तो हम शिक्षक जो है उस भावना से क्रोध होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि हम अपने स्कूल के वातावरण को क्रोध मुक्त करते हैं। अब आता है कंफ्यूजन का मतलब हो जाता है क्या कि कभी कभी व्यक्ति जो है कोई कार्य करता है कंफ्यूजन का मतलब होगा गलत भावी हम उसकी बात में को सीधे सुने नहीं और गलत व्यक्त करते हैं तो क्या होता है उस व्यक्ति के अंदर में गलत भावी ऊपर हो जाता है और जब गलत भावी आ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसके अंदर में क्रोध जागृत होगा और क्रोध जागृत हो जाएगा तो क्या होगा कि वह व्यक्ति किसी जो है वह उस तरफ आगे बढ़ेगा कि हमारा जो विद्यालय जो है तो वह क्रोध मुक्त
शिक्षा की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप देखेंगे कि इसी के मामले में भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ा बात कहा था कि होल्डिंग ऑन एन एंगल इज लाइक अ गैसिंग हॉट कोल एंड हीट अप एंड इंटेंस ऑफ फ्लोइंग एट वन एंड इटसेल्फ यू आर वन हू है। ये बात यानी कहने का मतलब क्या है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि कुछ ईर्ष्या या गुस्सा जो है, एंगल जो है, वह उस जलते हुए कोयले के समान है। जो मनुष्य जो है वह जलते हुए कोयला को कोशिश तो करता है कि व्यक्ति किसी को किसी व्यक्ति से मत लेते, लेकिन वह जो जलता हुआ कोयला जो है वह क्या होता है, उस व्यक्ति विशेष को भी जलाकर खत्म कर देता है। अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि आप जो क्रोध का जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट को देखा जाए तो निगेटिव इफेक्ट में क्या है, बैल्डिंग करने के लिए है ना, वह आपको एंगर जो
बढ़ना बढ़ने की और अधिकार। अगला बात है कि शिक्षक, क्योंकि हम लोग शिक्षक है, हम लोग कक्षा में जाते हैं, तो क्योंकि हमारी भूमिका पर भूमिका की बात आती है, तो हम बच्चों को एक ऐसे ऐसे क्रियात्मक काम दे, ऐसे ऐसे होमवर्क दे, ऐसे शिक्षित दे कि बच्चा जो उस आर्ट ले सके, उस मैंने विषय वस्तु के प्रति सोचे समझे, और जब वो सोचे समझेगा तो स्वभाव में कुछ जीतेगा, और जब वो सोचे समझेगा तो क्या होगा, उसका दिमाग जो है उस रेशम के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति जो है वह समावेशित हो जाएगा, और स्वाभाविक जो है वह गुण जो है वह गुण वर्ध कर जाएगा। अब आता है वो लोग स्टूडेंट्स का गुण है, आप एंगर के जोन में विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा होता है। अब आप विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यालय में जाते हैं तो आप एक सुबह माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, एक उपिता सिक्स से लेकर और दसवीं क्लास के बच्चों के लिए किया जाता है, नीचे के बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि सिक्स से दसवां तक के बच्चे जो होते हैं, इलेवन ट्वेल्व का बच्चे जो होते हैं, वह एक ऐसे ऐसे एज में आ जाते हैं जहां वह सोचता है, समझ सकता है और वह कुछ करने का भाव रखता है, तो उसे एक ऐसा सकारात्मक सोच रखना चाहिए ताकि वह क्या करे कि मैंने कक्षा में जाने के बाद एक सही स्वरूप त्याग करे, एक सही प्रारूप त्याग करे। और हर बच्चे का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप किसी चैप्टर को पढ़, यदि शिक्षक पढ़ाने जाते हैं तो उस बच्चे को पढ़ना चाहिए, उस विषय वस्तु को पढ़ा दे घर पर, और पढ़ने के बाद उसे पुष्टि लगा करना चाहिए शिक्षकों से, तो स्वाभाविक क्या हुआ कि जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाने जाए है ना, यदि बच्चा पूछेगा बताएगा तो क्या होगा कि हम उसे उस चीज को ला पाएंगे जिसे हम लोग चाहते हैं। साथ में आप जैसे मानिए आपको उच्चारण समाज को मालूम है, यदि कोई बच्चा घर पर जाए कि भाई उच्चारण व का उच्चारण समाज क्या होता है, प का उच्चारण क्या होता है, न का उच्चारण क्या होता है, और वो हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे उस विषय वस्तु को है ना वह विस्तार को बताएंगे और उसे बताएंगे कि वह कौन सा बेटा वह कार्य धन गोष्ठ होता है, वह कौन सा डाक गोष्ठ होता है, न कौन सा नाश्ता होता है ना, वो उस आधार पर क्या होगा कि हम उसको है ना आगे बढ़ने की तरफ माने उसकी एक सही जीवन की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब इसी विषय वस्तु पर हम अपनी आरंभिक प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि अपनी चंद शब्दों से हमें अनुभूति करें। Harmonious way to what states would be taken by the
क्लास टीचर इफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग इन एंगर एंड इफ एनीथिंग डन रॉन्ग और मिसबिहेव और मिसकंडक्ट और एंगर शुड बी आइडेंटिफाइड बाय एनी टीचर एनी स्टाफ एनी एडमिट पर्सन और एनी वन ऑफ देम वे शुड प्लान अ मीटिंग वे शुड शेयर देयर एंग्जायटी वे शुड ट्राई टू सॉल्व एंड वे शुड गिव देम अ वे वे शुड गिव देम सम रियल प्लेटफॉर्म वे शुड गिव देम अदर मेथड्स टू रिप्रेजेंट हिज चैलेंजेस विद सॉल्यूशन दिस इज द ड्यूटी ऑफ एडमिन द लीडरशिप हु दे आर इन एडमिन हु दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ रियल लीडर्स दिस इज देयर स्पेशल ड्यूटी टू फाइंड आउट टू गो थ्रू देयर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो इन दिस वे विदाउट पनिशिंग एनीवन बिकॉज एज वी ऑल नो दैट सीबीएसई हैज मेड स्पेशल एम्फेसिस दैट नो वन नो टीचर कैन पनिश द स्टूडेंट इन कॉर्पोरल पनिशमेंट So this is restricted. So it means if any student is really wrong, his steps are not good. There are other ways to call their parents, to write written message, written notices, to call the students, to give him a special time, special attention by class teacher or subject teacher or admin or the principal. To identify his problem with solution without punishing him. And stress-free environment means long sessions, meetings, long sessions, working hours should be also reduced if the teacher is mentally, physically, economically suffering from any problems. We should try to resolve, we should try to understand the problems and we should plan a day in a month at least. To have a personal or individual meeting also apart from in-house training. On that day, any particular, any individual can represent his personal challenges. In this way, gradually we can overcome the angers, the stress, the anxiety. And I hope that if we are doing it in real platform, very soon we can near to the develop the environment of anger-free school and let us do shape in our from start from ourselves. We should try to control our stress and anger also by doing any teaching learning regarding activity. In this way, I want to conclude myself. So I request Kumar Rasan sir SKNC to continue the session and give it last touch also. Thanks. So, as we have seen, what ma'am said to us, that anger-free environment should be maintained in our school. That means, not only we should teach our students, not only teach our colleagues, but also we should try to create an environment where one should control his emotions, one should control his angerness, and one should try to create a joyful environment. That means we all know that nowadays teachers, students, each and everyone, due to the competition, due to the present scenario, what we see in the life, we all see the emotions or the anger what the students are having, what they carry with them. So they should, how they should maintain themselves, how they should control themselves. It should be taught very easily to them. But what would be the method? The method is by talking to them. The method is by listening to them. The method is by understanding them. A teacher, according to me only, okay, a teacher not only teaches students, he also studies the students. If you can't read a student, you cannot teach him. So, first of all, one should try to read each and every student in your classroom. You should know his personal life, you should know his present life, you should know what the student is facing the problem. Just only punishing or just being angry is not enough or not good. And you should try to know what the emotions
एंगर इज हिडन. सेकेंड वन इज इनकरेज द चाइल्ड टू स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर ही और शी एक्ट्स. टीचिंग चिल्ड्रन टेक्निक्स असेसमेंट्स असाइनिंग द सिचुएशन बिफोर एक्टिंग कैन रिड्यूस दिस बिहेवियर फ्रॉम द अफेंस. एज वी ऑल हैव सीन द मेनी इन द वी हैव सीन द मेनी सीन्स ऑफ द मूवीज आल्सो वेयर अ टीचर पनिशेस द स्टूडेंट बट ही डजंट ट्राई टू नो व्हाट इज हैपनिंग बिसाइड हिम और व्हाट इज he is for what condition, what situation he is facing at his home, at between, among his friends, among his elders, among whatever environment he is living. So we should first of all try to understand, we should first of all try to negotiate, we should first try to listen, we should first try to find out the problems. So these all, by these all things, we can just control the student's analysis. The last one, the last topic which has been shown on the board, that is teachers basic anger management techniques, the deep breathing, keeping journals, etc. That means we should also try to create or involve some extra classrooms for the students, so that just like whenever the activity periods we are having in our school, we should try to teach the students about the yoga practices, about the pranayama, about the deep breath, what we face. By those things, they could control their anger. That means, कहने का मतलब क्या है कि आप जो है बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से उनको थोड़ा सा डिवोशन करवा करके, उनको थोड़ा सा प्राणायाम करवा करके, थोड़ा सा इन सब चीजों को कर करके आप क्या कर सकते हैं, आप उनके एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. जब भी टीचर्स क्लासरूम में जाए तो सबसे पहले क्या है कि वो अपने बिहेवियर, अपने वातावरण, अपने आप को नॉर्मल करके जाए. हम लोग सब जानते हैं कि आज के डेट में, आज की दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा एंगरनेस है, ठीक है. और वो सभी एंगरनेस होता क्या है कि घर पे आप बिना वजह घर में, रास्ता में, हर जगह जब आप घर सुबह उठ होकर उठते हो, वहां से लेकर के आपके स्कूल, आपके ऑफिस आते आते तक, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हादसा, ऐसी घटनाएं आपके साथ हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर गुस्से की भावना आती है, ठीक है. तो जब भी आप अपने क्लासरूम में जाए तो क्या हो, आप पहले एक गहरी लंबी सांस लें, ठीक है. उसके बाद सांस लेने के बाद आप कुछ जो अच्छी माहौल, जो अच्छी बातों को जो आप जीवन में अपने आप फेस कर रहे हैं, एक बार उनको याद कीजिए, ठीक है. और अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आप अपने क्लासरूम में जाइए. जब कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो पहले उसके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए कि आपकी उसके साथ क्या सिचुएशन हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है. तब उसके ऊपर आप गुस्सा कीजिए. और गुस्सा करने से आप गुस्सा के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप उस बच्चे को कभी समझा नहीं सकते. किसी भी इंसान को समझने या समझाने के लिए गुस्सा जो है, यानी एंगरनेस जो है, वो सबसे परफेक्ट इमोशन नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, ठीक है. तो इस प्रकार से जब तक आप अपने आसपास इस एंगर फ्री एनवायरनमेंट का, यानी एंगर फ्री स्कूल का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक आप बच्चे में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने आप में, अपने अपने स्टडीज में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं. तो इन चीजों का बहुत जरूरी है, ठीक है. जैसे कि हमने पहले भी सेशंस किए हैं आपका स्माइल के ऊपर कि हमें अपने अपने आप को हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम्स, तो एंग्री टीचर्स क्रिएट एंग्री क्लासरूम्स. ओके, सो वी शुड ऑल रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. तो इन सब बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है. जब भी अपने क्लासेस आप शुरू कीजिए एक डीप ब्रीथ के साथ जब क्लासेस में जाइए तो अपने बच्चों को एक मोरल चीजें बताइए, ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर आप सही मायने में आप एक टीचर हैं तो आपको एक बच्चे के बारे में पूरा, आप भर्ती जब से क्लासेस ले रहे हैं तो आप जो चीज आपको नहीं बचानी चाहिए आपको किसी कलीग से, उसके फ्रेंड से आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, ठीक है. आप उसके बारे में जान जाते हो, उसके पापा क्या है, मम्मी क्या है, कहां से आता है, क्या करता है, आप चाहे या ना चाहे आप जान जाते हो, ठीक है. तो वैसे कंडीशन में क्या है, आपको पता है कि वो बच्चा आखिर गुस्से में क्यों है, वो बच्चा उस तरह से सिचुएशन में क्यों फेस कर रहा है, ठीक है. तो बेसिकली क्या कहता है, तो आप उस तरह से उसके माहौल को, उसके इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको एक तरह से हैंडल कर सकते हो, ठीक है. तो ये जो टॉपिक अरुण सर ने आज हमें शो किया या फेस किया है, जो दिखाया है, टीच किया है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छी है, ठीक है. तो फॉर इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार हमारा जो इनहाउस ट्रेनिंग होता है, इसके बाद आपका जो असाइनमेंट फॉर्म होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको, आपके पास असाइनमेंट फॉर्म आपको दिया गया है, एक बार फिर से मैं आपको उसके बारे में एक बार दिखा देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है. जो देखिए, तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोग मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, ठीक है. तो उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि डेट जो है आज का रहेगा, ठीक है, दैट इज 16/3/22. टाइमिंग आपका जो है सेशन का 11:30 AM स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है. नेम ऑफ पार्टिसिपेंट इन दैट सेक्शन, यू हैव टू फिल योर नेम, आपका अपना नाम वहां पे डालना है. फिर आपका डेजिग्नेशन है, दैट इज आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो, आपको ऑलरेडी पता है,
ईटी हो, पीआरटी हो, ठीक है, या जिस भी पोस्ट पे हो, जिस भी आप पोस्ट पे आप उसको आप फिल करेंगे, फिर आपके पास क्या है, आजकल हमारा टॉपिक है दैट इज एंगर फ्री स्कूल, ठीक है, आपके आपका जो टॉपिक है दैट इज एंगर फ्री स्कूल, ठीक है। और इसके बाद आज के हमारे रिसोर्स पर्सन डीजीटी अरुण कुमार सर, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, आपको रिसोर्स पर्सन में उनका नाम डालना है दैट इज अरुण कुमार, और डेजिग्नेशन में आपका उनका डीजीटी सोशल साइंस दैट इज कोड 87, ठीक है। तो ये उनके बारे में ये आपका डिटेल था, अटेंडेंस कम, फीडबैक कम, असाइनमेंट शीट का, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाद, ठीक है, हम लोग एंगर फ्री स्कूल क्रिएट करने की ओर जरूर बढ़ेंगे और हम लोग एंगर फ्री को खत्म करके हम लोग हैप्पी स्कूल और हैप्पी क्लासरूम और हैप्पी एनवायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से, ठीक है, शायद हमारे सेशन का टाइम भी आपका एंड ऑफ होने को है, ठीक है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन, आई वुड लाइक टू थैंक आवर अरुण सर, सो ही विल फर्दर ही विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चंस आल्सो, यू शुड यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ओके। सो आई फर्स्टली लाइक टू थैंक आवर रिसोर्स पर्सन दैट इज मिस्टर अरुण सर, आवर प्रिंसिपल मैम, आवर डायरेक्टर सर, आवर मैनेजर सर, आवर ऑल द टीटी पीआरटी एंड ऑल द all the teachers, all the colleagues, all the staff, all the education or educated and non-educated people, because anger-free education does not mean or school does not relate only to the teaching staff. It relates to each and every person working in the school. So, I find that this session might help you and this session might work out in a positive way, in positive manner to your life. So, I wish you a very happy environment, and we all know that we are going to further celebrate the festivals also, that is Holi is also coming, so all of you just enjoy and try to be anger free. So thank you each and everyone, Mr. Kavya, okay, thank you.